के लिए लाए हैं वीडियो, आपको दिखाते हैं आज की जानकारी के लिए। आज हम बात करते हैं डिग्री प्रोडक्टर के बारे में, जानकारी देते हैं आपको कैसे हम डिग्री इससे चेक करेंगे, कितने डिग्री का होता है ये आपको दिखाते हैं। इसमें पिछले पार्ट्स के नियम आते हैं, पार्ट के नियम तो हम आपको दिखाते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हम बात करते हैं डिग्री प्रोडक्टर के बारे में, हाँ बताते हैं ये इसका बताते हैं इसके बारे में हम। ये हमारा स्केल है, ये स्केल है, आप देख सकते हो यहाँ से, ये 100 mm का है, ये 100 mm, ये 100 mm हमारा हो गया है, 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर। ये यहाँ से शुरू हुआ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये हमारा हो गया है 10 सेंटीमीटर, बोले वैसे हमारा हो गया 100 mm। ये हमारा एंगल मार्किंग है, ये आप देख सकते हो, ये वाला। हम बात कर रहे थे, आप देख सकते हो ये यहाँ से ये पूरा जो है 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो आप देख सकते हो यहाँ से, इसको हम बोलते हैं डिक्स। ये हमारा स्केल हो गया, और ये जो हमारा है स्क्रू, ये लॉक स्क्रू है, आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको 60 डिग्री लेनी है या 45 डिग्री है, जो भी आपको जहाँ भी डिग्री को रोकने के लिए या एडजस्ट करने के लिए, आप यहाँ पे स्क्रू टाइट कर सकते हो, इससे कि आगे पीछे नहीं होगा आपके मार्किंग करते समय, आप इसको कहीं भी टाइट कर सकते हो। अब हम आपको दिखाते हैं, डिग्री कैसे हम नापेंगे। ये मेरे पास राइट एंगल है, ये हमारा 90 डिग्री में होता है, 90 डिग्री में हम ये देखेंगे 90 डिग्री होता है या नहीं होता, हम इसे प्रोडक्टर से, डिग्री प्रोडक्टर से हम चेक करेंगे। तो ये हम यहाँ से पूरा, ये स्केल जो है हमारा, ये वाला यहाँ स्केल यहाँ मिलना चाहिए, और ये वाला स्केल यहाँ मिलना चाहिए, आपको दिखा सकते हैं आपको पूरा। अब आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ हमने लॉक कर दिया, हमने नट स्क्रू में नट कर दिया हमने, ये टाइट हो गया हमारा। अब आप देख सकते हो ये पॉइंट, देखो ये 90 डिग्री पे मिल रहा है, आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे पूरा गैपिंग नहीं होनी चाहिए, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो ये पूरा जो है ना, यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए, यहाँ भी गैप नहीं आता है, पूरा जी लाइनिंग पूरा अच्छे से मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये पूरा जो पॉइंट है, ये देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये 90 पे मिलना चाहिए, 90 यानी कि ये पूरा 90 डिग्री में राइट एंगल हमारा सही है। अब हम बात करते हैं दूसरा डिग्री के बारे में, बताते हैं आपको। मेरे पास ये एक ब्लेड है, ये हमारे पास ब्लेड है, आपको दिखाते हैं ये डिग्री कितना है, तो आपको दिखाते हैं डिग्री नाप के। अब आप देख सकते हो मैं डिग्री यहाँ से, ये वाला इस ब्लेड का डिग्री चेक करेंगे, ये हमारा जो टेपर है कितना डिग्री आ रहा है, ये हमारा जो हमारा ये दिया है, ये इसको हम नापेंगे कितना डिग्री हमारा टेपर है, ये कितना डिग्री में ये कटिंग हुआ हुआ हम चेक करेंगे हम। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग पूरा वीडियो देखें, पूरा ही वीडियो जरूर देखें, बीच में छोड़े ना, आप वीडियो पूरा देखें। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर डिग्री प्रोडक्टर लगा दिया है, अब आपको दिखाते हैं डिग्री हम इसके डिग्री कितना डिग्री होना चाहिए, आपको दिखाते हैं इस ब्लेड में कितना डिग्री आ रहा है। आप देख सकते हो ये पूरा ऊपर से टच है, गैप नहीं है, यहाँ देखो ये ब्लेड पूरा टच है, देखो आप देख सकते हो ये स्केल पूरा है ब्लेड में, आप देख सकते हो
हम इसमें देंगे डिग्री कितना आ रहा है। आप देख सकते हो ये 60 डिग्री है, ऊपर देख सकते हो 60 डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री। ये हमारा जो है ये 60 डिग्री में ब्लेड है, ये 60 डिग्री यहाँ आ रहा है, आप देख सकते हो 60 डिग्री 60। ये पॉइंट जो मिल रहा है यहाँ पे 60 डिग्री आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये 60 डिग्री हो गया। और आपको दिखाते हैं इसमें जो है ना जीरो से ये यहाँ 10 20 दिए आए हैं 180 डिग्री। आप इसको दोनों तरफ से डिग्री कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हो, इधर से भी आप ले सकते हो, जैसे कि यहाँ से 180 से चालू हुआ, आप जैसे तो 180 इधर से हुआ, और ये हमने यहाँ ये बना रखा है ड्राइंग, ये यहाँ हमने बना रखा है इधर से, ये 180 ये जीरो से यहाँ से शुरू हो रहा है ये वाला, और ये अंदर से यहाँ देखो 180 डिग्री इधर इधर दिया है, 180 इधर है, इधर से ये जीरो यहाँ चल रहा है, ये अंदर से जीरो से, आप देख सकते हो ये आप दोनों एक दोनों ही तरफ से आप कहीं भी नाप सकते हो डिग्री, आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, आप इधर से भी जैसे नाप सकते हो 30 डिग्री, अब आप इधर से भी नाप सकते हो 30 डिग्री। देखिए आप ये जो हमारा है ये इधर से ही नाप सकते हो 30 डिग्री वगैरह, और इधर भी आप नाप सकते हो, ये हमारा 50 डिग्री आ रहा है, आप इधर से भी नाप सकते हो 50 डिग्री, आप देख सकते हो यहाँ पर 50 आ रही है, तो हमारा 50 ये जो हमारा आप एंगल कटिंग करना चाहते हो, एंगल कटिंग करोगे तो आप डिग्री ऐसे एंगल में आप डिग्री जब एंगल में अगर एंगल कटिंग करना डिग्री में तो 60 डिग्री काटना है तो आप यहाँ पे 60 पे मिला दो, ये पॉइंट मिलना चाहिए वाला पॉइंट, ये अब 60 डिग्री हो गया है, अब इसके जो यहाँ आएगा आप 60 डिग्री आप काट सकते हो, ये हमारा जो कॉर्नर कोण ये बन रहा है ये 60 डिग्री में बनता है ये वाला हमारा। आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो हमारी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। जय हिंद।